नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं घनश्याम टेक। दोस्तों, बैंक निफ्टी की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इसमें हम बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी से जुड़े हुए स्टॉक्स के बारे में चर्चा करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं कि क्या लेवल इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए और जो स्टॉक बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं उनके लिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों देखिए, बैंक निफ्टी में जो आज की हमारी ओपनिंग हुई थी बैंक निफ्टी में, वो हुई है यहाँ पे 29,560 का। हमारा जो आज का हाई लगा है 29,940 का। हमारा जो आज का यहाँ पे लो लगा हुआ है 29,446 का। हमने क्लोजिंग आके यहाँ पे दे दी है 29,883 के पास, हमने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है। कल की वीडियो में मैंने आप लोग को यही बताया था कि जब बैंक निफ्टी 29,725-730 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा और थोड़ी देर अगर सस्टेन कर जाता है तो हमारा टारगेट जो होगा वो होगा 850 और फिर 950 के टारगेट के लिए। हम यहाँ पे 840 और 950 के टारगेट के लिए हम बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे। तो दोनों ही टारगेट हमारे यहाँ पे अचीव हो चुके हैं। जो आज का हाई लगा है वो 940 का 41 का ही हाई लगा है और 940 या 950 का मैंने टारगेट दिया हुआ था बैंक निफ्टी में। सेकंड टारगेट हमारा ये था और दोनों टारगेट हमारे यहाँ पे अचीव हो गए। तो बैंक निफ्टी ने अच्छा बाउंस बैक लिया ये बड़ी कैंडल गिरने के बाद में। कल यहाँ पे एक अच्छा बाउंस बैक मिला, आज हमको उसका फॉलो अप बाइंग यहाँ देखने को मिली। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कल का सेशन, कल का सेशन जरा ध्यान से रखिएगा। कल का सेशन बहुत मज़ेदार हो सकता है अगर हम बैंक निफ्टी में 30,050 के ऊपर सस्टेन होगा थोड़ी देर ना, तो बैंक निफ्टी में बहुत तेज शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे आएगी और जितने भी लोग ये शॉर्ट किए होंगे वो ट्रैप अगर होंगे तो वो 30,000 के ऊपर का ही उनका स्टॉप लॉस होगा। अगर किसी ने ये शॉर्ट करके गए होंगे तो वो लोग स्टॉप लॉस 30,000, 30,050, 30,060 यही स्टॉप लॉस उन्होंने लगा के रखा होगा। और जैसे ही हम इसके ऊपर निकलेंगे बहुत तेज शॉर्ट कवरिंग आएगी और फिर मार्केट यहाँ पे 30,200 और फिर 30,350 तक जा सकता है। तो इस पे नजर बना के रखिए कल के सेशन में। कल के सेशन में अगर 30,050 मान लीजिए कल के सेशन में अगर हम गैप अप ही ओपन हो गए तो अब यहां पे देखिए आज के चार्ट की आज की क्लोजिंग हमारी कितनी है 29,883 की हमने यहां पे क्लोजिंग दी है। अब यहां पे देखिए इस कैंडल ने हमारी जो कैंडल दी थी क्लोजिंग दी थी वो है यहां पे 737 की और फिर इस दिन अगर हम ऊपर की तरफ ओपन हुए, मान लीजिए अगर हम ऊपर की तरफ ओपन होते हैं गैप अप ही ओपन होते हैं हम 30,100, 30,150 के पास, तब तो हमें वेट करना पड़ेगा, तब तो हमारे पास कोई चांस नहीं है ज्यादा मूव करने के लिए। तो हमें यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा कल किस तरह से मार्केट ओपन होता है। चलिए दोनों तीनों सिचुएशन हम देख लेते हैं कि मार्केट कहां पे ओपन हो सकता है, किस तरह की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। अब यहां पे ध्यान से अगर देखेंगे चार्ट को, ध्यान से समझिएगा। देखो टिप के लिए मत समझिए, समझने के लिए समझिए, सीखने के लिए समझिए तो शायद आपको बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड मिले। मैं बार बार बोलता हूं मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देता है। दोस्तों देखिए बैंक निफ्टी में हमने ये 5 मिनट का चार्ट लगा दिया, ठीक है। 5 मिनट का चार्ट हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। 5 मिनट के चार्ट पे हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 29,880 के आसपास हमें देखने को मिल रही है। कल के सेशन में अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी इसी रेंज के अंदर में ओपन होता है, मतलब बैंक निफ्टी की रेंज जो बन जाती है वो बन जाती है, ये रेंज बन जाती है कि इसी रेंज के आसपास में बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं पे ओपन होता है, यानी 30,050 से नीचे, यानी 30,000 से नीचे ही ओपन होता है, सॉरी 30,000 से नीचे अगर बैंक निफ्टी कल ओपन होता है और 30,000 के पास आता है और वहाँ पे थोड़ी देर सस्टेन करता है, यानी 30,000 से लेकर के 30,050, 30,060, 30,070 एक रेंज बनाता है और यहाँ पे ये सस्टेन करने लगता है और सस्टेन करने के बाद जैसे ही ऊपर की साइड में निकलेगा आपको यहाँ पे टारगेट जो मिलेंगे वो 30,200 के, उसके बाद 30,350, ठीक है। उसके बाद जो हमारा टारगेट मिलेगा वो 30,480 का हमें टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, यानी ये तीन टारगेट हमें कल पॉसिबल है। कब? जब ये 30,060 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा, अगर हम इसी जगह पे ओपन होते हैं तब। कल गैप अप अगर 30,000 के ऊपर ओपन होते हैं लेकिन 30,060 को क्रॉस नहीं करते हैं, थोड़ी देर होल्ड करते हैं तो वो मूवमेंट देखने को मिलेगी। अब अगर हम इसी जगह पे ओपन होते हैं तो भी हमारे लिए वो 30,000 से 30,050 वाला लेवल ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए बैंक निफ्टी सुबह 800 के आसपास में ओपन होता है, 900 के आसपास ओपन होता है और 900 पे ओपन होके जाता है 30,000, 30,020 का हाई लगा के आता है और उस हाई लगाने के बाद वापस ये 50-60 पॉइंट का करेक्शन हो जाए, उसके बाद जैसे ही 20 को क्रॉस करेगा फिर यहाँ पे मूवमेंट आपको बनती हुई दिखाई देगी। मान लीजिए फर्स्ट मूव में मार्केट ओपन होता है, मान लीजिए ये हम मानते हैं कि 29,900 के आसपास में मार्केट ओपन होता है, ठीक है, 29,900 के पास में ओपन होता है और ओपन होने के बाद डायरेक्टली चला जाता है कहाँ पे, 30,030 तक, मान के चलते हैं कि 30,030
30,040, 30,020 इस लेवल के पास में जाता है और वापस यहां से 50 से 60 पॉइंट ये माइनस होता है, यानी 50 से 60 पॉइंट का करेक्शन होता है और करेक्शन के बाद जैसे ही इस लेवल को क्रॉस करेगा फिर आपको जबरदस्त मूवमेंट यहां पे देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी में ऊपर की साइड में। तो नजर बना के रखिएगा ऊपर की साइड में 30,000-30,050 का लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कल के लिए, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग वहीं पर होगी, सारे शॉर्ट वहां पर ट्रैप होंगे, उनके स्टॉप लॉसेस 30,050-30,060 पे कटेंगे और बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग काफी फास्ट यहां पे देखने को मिलेगी। अब मान लीजिए कल बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ ओपन हो जाता है 30,100 के आसपास ओपन होता है और वहां पे सस्टेन करके अगर ये नीचे की तरफ आता है तो हमें कुछ नहीं करना है, वेट करना है, ठीक है। नीचे की साइड में हमारा मूव तब बनेगा जब हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेंगे, ये ट्रेंड लाइन को जब हम ब्रेक करेंगे यानी 29,800 के नीचे ऊपर ओपन होने के बाद, यानी मान के चलिए कि कल हम अगर ओपनिंग करते हैं 29,950 के आसपास हम ओपन करते हैं और वहां से हम नीचे आते हैं और फिर उसके बाद हम जैसे 29,800 को ब्रेक करेंगे हम यहाँ पे निफ्टी को, बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है, बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं 800 के आसपास ओपन होते हैं, गैप डाउन ओपन होते हैं 800 के आसपास, तो एक दो कैंडल अगर रुकती है तो फिर हम इसको सेल कर सकते हैं 700 के टारगेट के लिए, यानी 800 के बाद हमारा टारगेट जो होगा वो 29,700 का होगा और उसके बाद 29,600 के दो टारगेट यहाँ पे निकल के आएंगे आपको नीचे की साइड में अगर हम इस ट्रेंड लाइन को ऊपर ओपन होने के बाद इसको ब्रेक करते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पे 150-200 पॉइंट गैप डाउन ओपन होते हैं और 29,700 के आसपास ओपन होते हैं, तब हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेना है, डायरेक्ट ट्रेड हमें कहाँ पे लेना है, अगर इसी जगह पे ओपन होता है, स्टैंड लाइन को ब्रेक करेगा, 800 के नीचे ट्रेड करेगा, हम डायरेक्ट ट्रेड ले लेंगे। लेकिन अगर ये 700-650-750 के बीच में ओपन होता है तो यहाँ पे कंसोलिडेट होने देंगे थोड़ी देर, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट कंसोलिडेट होगा और उसके बाद अगर लो को ब्रेक करेगा तब हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। ऊपर की साइड में ट्रेड हम कल मान लीजिए अगर 880-890 इसी जगह पे ओपन होगा तो हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, सिर्फ हम वेट करेंगे किसका, 30,050 को ब्रेक करने का। जब 30,050 को ब्रेक करेगा तभी यहाँ पे नया ट्रेड और अच्छा ट्रेड आपको बनेगा। तो मेरे ख्याल से 30,000 की कॉल यहाँ पे डबल हो सकती है अगर ये 30,050 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, तो मैं तो यहाँ पे 30,000 की कॉल में प्ले करूंगा। 30,000 की कॉल मेरे ख्याल से कल डबल हो सकती है अगर हम 30,050 के ऊपर सस्टेन होकर थोड़ी देर ट्रेड करने लगते हैं। तो अब चलिए देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो बैंक निफ्टी को ऊपर और नीचे ले जाने में मदद कर सकते हैं। तो पहला स्टॉक हमारा यहाँ पे एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक अभी भी एक्सिस बैंक में वो मूवमेंट नहीं बनाया, तो एक्सिस बैंक में थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि जब तक ये 600 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा आप तब तक इसमें मूवमेंट अभी नहीं बनने वाली है। बंधन बैंक ने आप थोड़ा सा मूवमेंट किया है तो कल अगर आज की हाई के ऊपर निकलता है तो मुझे लगता है कि 407-408 तक ये भी जा सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे कुछ खास मूवमेंट नहीं हो रही है। फेडरल बैंक में अच्छी खासी मूवमेंट हुई है, तो फेडरल बैंक देखिए फिर से इस लाइन के ऊपर ये निकल चुका है तो यहाँ पे थोड़ी नजर बना के हम रख सकते हैं। HDFC बैंक पे फोकस करना है कल, क्योंकि कल अगर ये चलेगा तो बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाएगा, लेकिन ये तब चलेगा जब हम 1385 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। तो HDFC बैंक पे नजर बना के रखिएगा, 1385 के ऊपर अगर ट्रेड करें तो फिर इसका टारगेट होगा 1395 और फिर उसके बाद 1405 का टारगेट होगा और ये बैंक निफ्टी को भी 100-150 पॉइंट ऊपर खींच के लेके जा सकता है। तो इस पर नजर बना के रखिएगा कल। ICICI बैंक ने आज अच्छी क्लोजिंग दी है, कल भी मैंने इसको जैसे आज सुबह मैंने चार्ट रिकमेंड किया था 506 के टारगेट के लिए, तो 505.50 का इसने हाई लगाया है। तो आज के हाई के ऊपर अगर ये फिर से कल निकलता है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे टारगेट आपको 510 और 514 के टारगेट मिल सकते हैं। तो इस पर नजर बना के रखिएगा ICICI बैंक पे। दोस्तों अगर आप भी हमारी फ्री स्टॉक्स मार्केट ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आपको जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग या आप स्टॉक्स में से किसी एक में अकाउंट ओपन करना है और अकाउंट ओपन होने के बाद आप एक्टिव होकर उसमें ट्रेड करते हो तो आप हमारी फ्री ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो और अकाउंट ओपन होने के बाद में आप हमारे फ्री लाइफ टाइम सपोर्ट ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। IDFC फर्स्ट देखिए ट्रेंड लाइन के पास से इसने भी बाउंस बैक लिया है, तो काफी अच्छी मूवमेंट यहाँ पे आज देखने को मिली, लेकिन थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पे। इंडसइंड बैंक पे कल नजर बढ़ा के रखिएगा, मेरे ख्याल से जो शॉर्ट कवरिंग होती है एक्सपायरी वाले दिन ये काफी अच्छी मूवमेंट करता है, तो आज के हाई के ऊपर तो कल इसको जरूर बाइंग कीजिएगा, यानी 862 के ऊपर निकलता है तो मेरे ख्याल से 870 और 880 के टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो इस पर नजर बना के रखिएगा आज के हाई के ऊपर अगर ये कल निकलता है इंडसइंड बैंक। तो कोटक बैंक यहाँ पे ज्यादा गिरावट भी नहीं हुई, देखिए बाकी बैंकों में कितनी बड़ी बड़ी गिरावट हुई, यहाँ पे कोई ज्यादा गिरावट नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी यहाँ पे बाइंग सिग्नल हमें नहीं दिख रहा है। RBL बैंक इतने जबरदस्त मूवमेंट किया है तो कल के हाई के ऊपर इसमें भी एक शॉर्ट कवरिंग फिर से देखने को मिल सकती है जो कि इसको 227 के पास तक लेके जा सकती है। SBI को भी हम बाइंग कर सकते हैं, कल आज के हाई के ऊपर निकलता है तो आज के हाई के ऊपर निकलेगा तो फिर इसका टारगेट होगा 265 और 267 के टारगेट के लिए आप इसे ले सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो उससे जाकर
जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं, या आप टेलीग्राम में जाके सर्च कर सकते हैं घनश्याम टेक एनालिसिस और उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।